Nirmama moha jita sanga dosha. Adhyatma nitya vinivritta kamaha. Dvandvaiva mukta sukha dukkha samyai. Gacchanti amuda padama vayamta. One is free from illusion, false prestige, false association, who understand the eternal, who is done with the mental lust, and is free from the duality of happiness and distress, who knows how to surrender unto the Supreme Person, attains to that eternal kingdom. So Prabhupada says what in the purport? The surrendering process, bahut acche se samjhaya, kaise Bhagwan ko sharan lena hai. सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है उसमें? निर्माना. जब ये तो है 15 चैप्टर, 13 चैप्टर में 20 एलिमेंट समझाएं कैसे ज्ञान प्राप्त होता है. उसमें भी फर्स्ट है माना. जब तक मान नहीं जाएगा हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते. इससे बहुत कुछ बोला जा सकता है. एक्चुअली कंडीशन सोल के चार डिफेक्ट होते हैं. क्या चार डिफेक्ट है? उसकी इंद्रियां, हिंदी समझ आता है, उसकी इंद्रियां कंप्लीट नहीं है. उमेश को भी हिंदी समझ आता है. इंद्रियां कंप्लीट नहीं है, क्या डिफेक्ट है? चार डिफेक्ट कंडीशन. Senses are imperfect. Then, dusra, moh mein easily aata. Do, teesra, Oh, you know, Then, chautha, cheating, perfect cheating. Ye charo cheez, jab kisi ne exam diya, college mein padhai kiya, cheating propensity pura aa jata hai. Ek aadmi assignment banata hai, sab log copy kar lete hain. Correct? Expert. So this is the ye char defect jo apne paas hai. To ghamand kis cheez ka? Kis cheez ka ghamand? And ye Prabhupada ji ka dekhe darshan. Jo America pahunche the, to unko pucha aap kyon aaye is country mein? Prabhupada says, I have come to make you more intelligent. आपको थोड़ा बुद्धि देने आया हूं. लोग तो बड़ा घमंडी है अमेरिका के. अब ये देखो कितना अपोजिट है. ऐसा सोचना भी, सुपर पावर है, सबसे पावरफुल कंट्री है. कोई एक आदमी जा रहा है जेब में 40 रुपए लेके और पूछा आप क्यों आए हो? आप लोगों को थोड़ा बुद्धि देने आए हो. आदमी को पूरा तीन मोड से मुक्त होना चाहिए ऐसा बोलने के लिए भी. कह रहे जैसे ही अमेरिका के दर्शन हुए थे क्या बोले? ये घटिया जगह कैसे इस घटिया जगह में कैसे पहुंच गए हो? क्या होगा ऑर्डिनरी आदमी को? क्या होगा? हा वहाँ बोलते थे कि वहाँ जाते हो सबकी टोपी गिर जाती है. हम लोग बचपन में सुनते थे. क्यों? मतलब स्काई के पैर ऊपर देखोगे टोपी गिर जाएगी. हम लोग क्या कंट्री हो, ठीक है. और प्रभुपा जी को थोड़ा सा देखा उसके बाद उनकी जो प्रेयर में लिखा है ना, माय लॉर्ड व्हाई यू ब्रॉट मी टू दिस टेरिबल प्लेस. लक्षण से दिख जाता है आदमी टोटल मोड से मुक्त है. और क्यों आए भाई? लोगों को थोड़ा बुद्धि देने आया हूँ. तो एक्चुअली इट इज़ वेरी वेरी मच टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जब चार डिफेक्ट से भदे हुए हैं तो घमंड किस चीज़ का? किस चीज़ का घमंड? जो भी कुछ जानते हो सब गलत है. अगर कुछ जानते भी हो तभी तो बोलते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का प्रचार का तरीका क्या है? अरे आप इतने सुंदर हैं, इतने बड़े भक्त हैं, इतने धार्मिक हैं, इतने स्मार्ट हैं, लेकिन एक विनती है, जो कुछ जानते हो भूल जाओ. इतना कुछ बोलेगा किसी को तो क्या बोलेगा? बिकॉज निर्माण नहीं है, सब मान से भरा हुआ है सब आदमी. करेक्ट. लेकिन प्रचार कलयुग का प्रचार है, काट नहीं सकते इस मान को. सीधा बोलोगे तो आदमी आपको छोड़ गया. करेक्ट. गुस्सा हो गया भग जाएगा. ये करे यू डू समबडी यू से यू आर इडियट नंबर वन. यू एक्चुअली इट इज द ट्रूथ.
लेकिन हम लोग नहीं, प्रभुपाद जी वो आचार्य लोग आचार्य के टेकले पर उन बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रभुपाद को मिलने आते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे यू आर अ रास्कल, एडमिट करते थे ऐसा। हम लोग ऐसा प्रिविलेज नहीं ले सकते। एक चीज़ वो बहुत बड़े आचार्य थे, दूसरा चीज उनकी ऐसी पोजिशन थी, अथॉरिटी स्ट्रक्चर, थर्ड चीज़ प्रभुपाद सेड आई एम अ ओल्ड मैन, बच्चे और जो बुजुर्ग लोग होते हैं कुछ भी बोल के जा सकते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता। कह रहे जैसे बच्चा कुछ बोलता है कोई कोई ऑफेंस लेता है नहीं, प्रभुपाद जी तो आप लोग ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं। हाँ कुछ डिवोटी लोग इमिटेट करने की कोशिश करते हैं क्लास में, ऑल रास्कल्स, नहीं ऐसा इमिटेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या समझते हैं हम? सो यस, सो ये चार डिफेक्ट है। तो चार डिफेक्ट देख के आदमी को घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आदमी को समझ जाना चाहिए हमारा स्थिति बिल्कुल अंधकार में है। What I was telling you, something I was telling. Huh? Mm-hmm. Ah, four defects. Then? Right. Yeah. Anyway, nobody is listening properly. Some story I was telling, they're all lost. Ab dhyan se suno. So then what happens is that in this position, Prabhupada is there, bahut mushkil, in a very difficult position. He had the confidence to tell. Yeah, he said, why I come to this, my Lord, to the terrible place. Okay? And he was seeing the situation. And he could tell directly to the people, yes, but we cannot, we have to know our position. So when we preach, I was telling this, when we preach, we tell like this. Okay, kahan yaar, sab log so rahe. When we preach, first thing we tell a person, you are so beautiful, you are so intelligent, you are so religious, then you are so smart. So what will anybody, if you say like that, what will the person say? Shishi Radha Govinda ki. So what will the person say? Oh, very nice, very nice. What do you want? Only one thing I want. Whatever you know, please forget. And accept the message of Lord Chaitanya. Prabhupada said, this is our preaching technique. And actually, this is only the technique that works in this world. We cannot go like a Parashuram, Nirmama. We cannot, hey, you're an idiot. You're a fool number one. It is very, very difficult. Very, very difficult. In the situation that is there. And unless people develop, actually, they become Nirmana. The real knowledge will never descend in them. Why is it that we go to so many people, we talk about Krishna consciousness, why they don't listen? Because they are not nirmana. They cannot begin the process of Krishna consciousness. Agreed? Shuruvat bhi nahi hoga because nirman hai hi nahi aadmi. Kaise shuru karoge aap? Agar aapke paas gyan bhi hai, to kaise doge? It's impossible, hai na? If you tell ye Bhagavad Gita hai, original Gita hai, padhiye. Kyon nahi kharidta aadmi? And actually, Prabhupada says it is very important. Before the next death comes, aaj main sun raha tha Prabhupada class, Prabhupada says very important. There is a class on Ishopanishad, in the introduction to Ishopanishad. Prabhupada says, ye mrityu to kitne karodon bari aa chuki hai. Lekin next mrityu se pehle bhai kuch karo apna. Aisa nahi ki mrityu pehli bari aayegi. Kitni bari mrityu ho chuki hai? Karodon bari. Jo next mrityu aane wali hai, usse pehle bacha lo apno ko. धाम वैकुंठ धाम जाने के लिए सीरियस हो जाओ। और सबसे चीज क्या इंपॉर्टेंट उसके लिए, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये सब तरीका, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको वैकुंठ धाम जाना है? ये दुनिया में रहना है तो निर्माण होने की जरूरत क्या है? तू कौन है? मैं कौन हूँ? चलता रहो इसमें, इसी नाटक में जिंदगी खत्म करो अपनी। लेकिन अगर आप वैकुंठ धाम जाना है तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तरीका है? फर्स्ट थिंग निर्माणा, निर्माणा बिल्कुल किस चीज़ का मान, जैसे हम वो बता रहे थे ना, किसी करोड़पति के सामने अपने आप दो रुपये दिखाओगे तो हंसेगा नहीं वो? क्या हंसेगा? तो सेम वे भगवान के आगे क्या दिखा रहे हो ये अपने दो रुपये? कृष्णा बोले क्या दिखा रहे हो? कि सुंदर दिखा रहे हो? जैसे हम मजाक कर रहे थे ना, अगर हम विष्णु दूता आएंगे सामने तो हम लोग भूत की तरह देखेंगे, एक्चुअली उतने सुंदर होते हैं, है ना? किस चीज़ का घमंड? छः ऐश्वर्य क्या है?
सुंदरता, ज्ञान, कुछ ज्ञान ही अंधकार है, क्या फेम, कोई नहीं जानता आपको, कृष्ण को पूरा ब्रह्मांड जानता है, फिर ब्यूटी हो गया, रिनंसिएशन, वैराग्य, कोई वैराग्य नहीं, पूरी तरह माया की तरह आकर्षित हैं हम लोग। हाँ तो हम लोग क्या किस चीज़ से, भगवान के आगे किस चीज़ से घमंड, हाँ तो निर्माण, टोटली निर्माण होना चाहिए, ठीक है। और कोई रीज़न है हमको निर्माण होना चाहिए, दिखता है ना माया कैसे घसीट रही है हर सेकेंड, किस चीज़ की घमंड है। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या जीवन है ये, सोचना चाहिए, माया घसीट रही है और हम घिसट रहे हैं, और घमंड उसके बाद अपनी हालत दिख, सबको दिख रही है, ऐसा कुछ मुश्किल है कि दिख नहीं रहा। अगर जो हम्बल होना चाहता है वो देख सकता है, एक सेकंड में देख सकता है कैसे माया थप्पड़ मार रही है लात, प्रभुपाद जी मजाक करते ना, जैसे किसी को आपने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अरेस्ट करने के बाद घर में बंद कर दिया, उसके बाद थड़ 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 मारे जा रहे हो थप्पड़ और लात घूस, और उसके बाद बोल रहा है मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अरे क्या इंडिपेंडेंट हो, तो जितने थप्पड़ मारना चाहता हूँ उतने मार रहा हूँ, क्या इंडिपेंडेंट। सिमिलरली माया हंसते नहीं है, इंडिपेंडेंट हो, अरे क्या इंडिपेंडेंट, अभी दो और मारते हैं थप्पड़। तो पूरी तरह से माया पटक पटक के मार रही है, और आदमी सोच रहा है, जो आदमी देखना चाहता है, देवी एष गुणमयी मां माया, मेरे माया से नहीं बच सकते भाई, बहुत इसी से नहीं निकल सकते आप, तो किस चीज़ का घमंड। भगवान माया के कंट्रोलर हैं, माया, हम माया के अधीन है। देखो ये जैसे पुलिसमैन है, एक आदमी या पुलिसमैन आपको पकड़ के मार रहा है, और उसको भी नहीं आप हैंडल कर सकते, और राजा कितना बड़े चीज होगा जिसका वो सेवक है, तो हम सोच सकते हैं हमारा क्या पोजीशन है। तो इससे निकलना चाहिए, निर्माणा मोहा देन, क्या श्लोक है, निर्माण मोहा गत संगा दोषा, हाँ संगा दोषा, जो मेटल वर्ल्ड में जो आपका भौतिक संग है, क्या प्रभुपाद जी वेरी नाइसली एक्सप्लेन्स इन दिस, कि जो संग किस चीज़ का, जनरली जो लोग बोल रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनने का, क्या बोल रहे हैं लोग, अपने को किस चीज़ से आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोग, अपने को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, सोसाइटी से आइडेंटिफाई करते हैं, अपने देश से आइडेंटिफाई करते हैं, उससे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। निर्माण मोहा गत संगा, उस चीज़ से हमको कोई वो नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी मेरा घर है, ऐसा बड़ा दिल होना चाहिए। प्रभुपाद जी को ऐसा कोई द्वेष नहीं था, कोई हमारे भारत का वासी नहीं है दूसरा ही, उनको इस चीज़ का, इस क्यों, क्योंकि बोला जाता है कि अगर वैष्णव का आप जन्म ढूंढोगे तो अपराध हो जाता है, कह रहे क्या श्लोक है, क्या श्लोक है, वाई वी शुड नॉट लुक आत्मकृतम, नो थ्री, नोबडी इज देयर हु नोस श्लोक है ना। So, when a person has, he identifies the body made of three elements. Yasyas buddhi krinupeti dhatu ke swadhi kalatradish bhom ichyadhi yattirt buddhi salilena karhechat janesho vignesho saiva gokara. ठीक है, जो आप, जो आदमी अपने को ये बॉडी से आइडेंटिफाई करता है, आयुर्वेद में त्रिधातु हो जाता है, खप पित्त वायु, क्या होता है खप पित्त पूछना नहीं, आयुर्वेद के डॉक्टर को पूछना हमको। सो जो आदमी अपने को ये तीन धातु से आइडेंटिफाई करता है बॉडी को, उसका बुद्धि कैसे कंपेयर करा जाता है, एक गधे की बुद्धि के बराबर, समझ गए, गधे की बुद्धि के बराबर। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि वैष्णव का कभी हम ये नहीं सोचना चाहिए ये किस जाति का है, किस धर्म का है, ये नहीं सो, ये अपराध हो जाता है, हैं, ये गलत चीज़ है, इसको बहुत गलत चीज़ माना जाता है। जैसे विग्रह है, अरे ये तो मेटल का है ना, ये तो पत्थर का, ये चीज़ दिमाग में नहीं, भगवान खड़े हैं हमारे, ऐसा सोचना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता है। या तीर्थ बुद्धि, तीर्थ जाते हो वहाँ भक्तों से मिलने का कोई इच्छा नहीं है ना, एक्चुअली कंप्लीट तीर्थ, समटाइम्स इट हैपन्स, वी गो टू सम, वी हैड गॉन टू द मायापुर लास्ट विजिट,
आप नहीं थे, मेनी ऑफ यू, एंड द वेरी रीजन वी एंजॉयड दैट ट्रिप वॉज एट सम डिवोटीज हु हैड कम हियर, रिमेंबर जन्माष्टमी टाइम्स ऑफ मायापुर डिवोटीज हैड कम, देवर विद अस ऑलमोस्ट थ्रू आउट, इसलिए दैट पिलग्रिमेज बिकेम सो स्वीट. सपोज यू गो टू सम टेम्पल एंड यू नो अ डिवोटी देयर, योर विजिट द टेम्पल बिकम्स वेरी मोर लाइवली देन, अदरवाइज एक बिल्डिंग था गए वापस आ गए, कह रहे तीर्थ कंप्लीट्स. प्रीवियसली क्या होता था, अभी ट्रू सिचुएशन इज ऑल्सो डिफिकल्ट, तीर्थ में लोग होते हैं जो उस जगह को अनहोली कर देते हैं. प्रभुपाद जोक्स, आजकल एट होली प्लेस देर आर सम पीपल, दे मेक द प्लेस अनहोली बाय देयर एक्टिविटीज, करें तो उनको देख के भी डर लगता है, बोलते हैं बैठो 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 तो फंसे आदमी फंकता है. ये भी सिचुएशन है, रियलिटी ये है. नॉर्थ इंडिया में पांडा लोग लोगों को बहुत तंग करते हैं. आई रिमेम्बर वंस वी वर टेकिंग दर्शन एंड वी वर प्रेइंग सम प्लेस एंड द पांडा वॉज ऑन अस, सो समबडी वॉज देयर, ही रिक्वेस्टेड हिम, प्रार्थना करने दोगे? इज आस्किंग हिम, दो मिनट प्रार्थना कर सकते हैं क्या? आई नो दैट रियलिटी इज ऑल्सो देयर टूडे, बट ओवरऑल प्रिंसिपल इज, शास्त्र का प्रिंसिपल तो बताना चाहिए. प्रिंसिपल है कि अगर तीर्थ जाते हो तो वहाँ पे जो भक्त हो तो उनका भी मिलना चाहिए. बट इट इज़ ट्रू, पहले लोग क्या होता था, तीर्थ में बड़े बड़े भक्त लोग होते थे, जैसे हमारा भागवत में पढ़ेंगे ना, विदुर घूम रहे थे उनको मैत्रेय मिले थे तीर्थ में, ऐसे बड़े भक्त, और कितने दिन उन्होंने उनको ध्यान से सुना था, दिन वी डोंट नो हाउ मच टाइम, लॉन्ग टाइम ही हर्ड विद ग्रेट प्लेजर, इतना सब कि पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था. सो ही मस्ट हैव हर्ड, बिकॉज महाभारत के युद्ध के पहले विदुर लेफ्ट एंड ही मेट मैत्रेय, यू कैन कैलकुलेट हाउ लॉन्ग ही मस्ट हैव हर्ड विद ग्रेट प्लेजर. सो पहले तीर्थ में भी दैट यूज्ड टू बी देयर. सो एनी वे, सो लेट अस कम बैक टू द शो का फर्स्ट थिंग, निर्माणा, मान को हटाइए, नहीं तो आप भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे. मोह से मुक्त हो जाइए, ठीक है, निर्माण मोह, देन गत संग दोषा, जो संग है, तो ये सब जनरली कभी भी तीर्थ में भी जाते हैं, संग इज अ मेन थिंग, किसी तरह संग मिल जाए, अच्छा कोई भक्त वहाँ मिल जाए तो अपना तीर्थ कंप्लीट हो जाता है. पहले तीर्थ में होते थे अच्छे लोग, हाँ, गत संग. और दूसरा चीज संग, आप जो जनरली जो लोग हैं उपधर्म की बात करते हैं, मेरा भारत महान, ये सब नेशनलिज्म भी हमारे वेद में नहीं है, करेक्ट, दिस इज एक्चुअली पेट्रोटिज्म प्रोपस इज नॉट पार्ट ऑफ द वैदिक कल्चर, दिस इज वेरी, थोड़ा रिवोल्यूशनरी आइडिया, ये लोग समझ नहीं सकते, मेरा देश कहाँ श्लोक है, मेरे देश की धरती सोना उगले, कह रहे वेरी द श्लोक अगेंस्ट दिस, वेन वी भौम इज्जति यत्तीर्थ बुद्धि, सेम इट इज इन द सेम श्लोक, भौम इज्जति, अपने जन्मभूमि को पूजा करना. तो एनी वे, वी शुड हैव वेरी वाइडर पिक्चर, बहुत वाइड पिक्चर, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये सब अहंकार है. शुद्ध भक्ति का लक्षण में ये नहीं है, शुद्ध भक्ति के लक्षण में सारे अहंकार से आदमी मुक्त हो जाता है. क्या है शुद्ध भक्ति के दो श्लोक, एनीबडी नोस व्हाट आर द दो श्लोक शुद्ध भक्ति के? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिमुक्तम. अन्याभिलाषिता शून्य, कोई और अभिलाषा नहीं है. ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म से अपनी भक्ति कॉन्टामिनेट नहीं है. अनुकूलेन, किस तरह कृष्णा को खुश करना है उसको उत्तम भक्ति बोलते हैं. और दूसरा श्लोक क्या है? निर्मलम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि से मुक्त हो जाना चाहिए. ये भी उपाधि है. मैं कन्नड़ी का हूँ, मैं जीएस भी हूँ, सब उपाधि है. क्या हूँ मैं? आत्मा हूँ, कृष्ण का सेवक हूँ. तो ये आने के लिए इसलिए कृष्ण जी समझा रहे हैं अलग अलग तरह से. अब ये नहीं है कि एक बार ही बोल दे दोबारा नहीं, किसी तरह हमारा जो ऑब्स्टिकल है शुद्ध भक्त बनने का वो तोड़ रहे हैं. निर्माण मोह गत संग, हाँ नेक्स्ट,
देन टू फ्री फ्रॉम लस्ट, टू कम टू स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म एंड बी फ्री फ्रॉम लस्ट. प्रॉपर सेज वेरी नाइसली, श्लोक में क्या है लिखा है, आप यू कैन नॉट बिलीव द लाइन प्रॉपर सेज, ही इज डन विद द मटेरियल लस्ट. ये तो बहुत बड़ा चीज है, हो गया नहीं चाहिए, डन मतलब बहुत देख लिया, इसका असली नेचर क्या है उसको समझ आ गया, डन विद द मटेरियल लस्ट. अद वेरी, ये आपको ये एक बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा अगर शुद्ध भक्ति चाहिए. अभी भी मटेरियल लस्ट की कामना है तो शुद्ध भक्त नहीं बन पाओगे. दैट्स व्हाट वी वर टेलिंग भक्त विनोद ठाकुर हैड टू डू सो मच हार्ड वर्क बिकॉज शुद्ध भक्ति वॉज मिक्सड अप. चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट पूरा गिर चुका था और तरह तरह के उनको बोलते हैं सहजिया, 20 सहजिया सेक्ट उन्होंने निकाले थे. आई रिसेंटली रेड द आर्टिकल, इफ आई गेट टाइम, कृष्णाज मर्सी, आई कैन अंडरस्टैंड, ही अंडरस्टैंड हाउ वी, वन डिवोटी एक्सप्लेन हाउ वी ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाट आर दिस 20 सहजिया सेक्ट एंड ही सेज व्हेन वी डू दिस हाउ वी आर एक्चुअली दैट सेक्ट, हाउ वी डू दिस इज एक्चुअली बिहेवियर ऑफ दैट सेक्ट. कह रहे बेसिकली डिफरेंट वेराइटी, नाम क्या लेना है, औला बौला गौरंगनागिरी 20 है, अभी भी हैं वो सेक्ट, ऐसा नहीं बंद हुए, अभी भी चल रहे हैं. लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर शोड द फॉल्ट एंड ही सेड दिस इज नॉट प्योर डिवोशन, जस्ट लाइक प्रभुपाद ऑल्सो शोड दिस इज नॉट प्योर डिवोशन, ये नहीं, नो कंटामिनेशन. सो इफ यू मेंटेन मेटेरियल डिजायर्स वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज द मेन मेटेरियल डिजायर, लस्ट, डन विद लस्ट, हो गया नहीं चाहिए. बोल सकते हो एक बारी जोर से, नहीं चाहिए. किस चाहिए, कुछ कृष्णा अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए, नहीं 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 चाहिए. देन आपका आध्यात्मिक प्रगति का एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल निकल जाएगा, नहीं तो फंसे रहो. एंड क्या होगा कि फिर हमारा शुद्ध भक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. व्हाट विल हैपन, इट विल बी कॉम्प्रोमाइज, वी विल नॉट बी एबल टू एडवांस नाउ. वो क्या होता है, वो सकाम कर्मयोगी रह जाओगे, भक्ति योगी कभी नहीं बन पाओगे. भक्ति योगी मीन्स ही वॉन्ट्स ओनली टू लोटस फिट ऑफ कृष्णा, कृष्ण के दो चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको. सकाम कर्मयोगी मीन्स काम को मेंटेन करा रखा है, थोड़ा भक्ति भी चल रही है साथ साथ, भक्ति योग इज अलग, ठीक है. सो इन दैट वे इट विल बी अ वेरी बिग ऑब्स्टिकल. एंड नॉट ओनली दैट, देर इज एन एग्जाम्पल नो, वो जो एक बोट है, बोट एक ओशन के कोस्ट में बीच में, चलो रिवर के ले लो, इट इज टाइड अप. सो पूरी रात को दे डू द रोइंग बट बोट वहीं फंसी रहती है. तो सुबह देखते हैं क्या गलती थी, वो क्या बोलते हैं आप उसको, उसको क्या बोलते हैं एंकर को, हिंदी एंकर, हिंदी में क्या बोलते हैं, एंकर ही ले लो. तो एंकर नहीं निकाला, तो एंकर से रस्सी उस बोर्ड को बांध के रखोगे, रस्सी से कितना भी हिलाओगे रस्सी नहीं मिलेगी. तो जिस जब तक आप ये, अभी अपने लिए भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना कि आपके लिए बोल रहा हूँ, अभी भी हम नहीं निकले, जब तक इस चीज़ को नहीं गोड़, नहीं चाहिए, आप सोचो उस दिन आपकी आध्यात्मिक प्रगति बिल्कुल 100 फिट ऊपर जम कर जाएगी. इसलिए प्रभुपाद जी सुबह हम पढ़ रहे थे ना, सुबह कितने बारी बोलते हैं सरेंडर कर लो, सरेंडर कर लो, सरेंडर कर लो. क्या सरेंडर, कृष्णा जी की ओपनली बोला है ना भगवद गीता में, कितना बारी बोला है, इंद्रियों को कंट्रोल करो इससे मुक्त हो. नहीं, सरेंडर नहीं मतलब कृष्ण जी बोल रहे हैं इधर कोई आनंद नहीं है, इस लस्ट में आनंद नहीं है, नहीं है, थोड़ा चाहिए, ठीक है, ठीक है. तो ये आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा. इस डिसीजन को करने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डिसीजन आप अपने एक्सपीरियंस से कभी नहीं कर पाओगे, ये डिसीजन आप श्रवण करके ही कर पाओगे. श्री प्रभुपाद की, श्री भगवद गीता की.